हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में रियलमी 6 के बारे में। हमने बाहर लिखा है रियलमी 6 है लेकिन प्रो वाला वर्जन, मतलब इस बार जो 6 वाला वर्जन है ना, मतलब स्टार्टिंग वाला वर्जन है, उसी को ही प्रो लेवल का बना दिया गया है रियलमी ने। मतलब जो रियलमी 6 पहला था अंडर 10,000 रुपीज की प्राइस में, मतलब उसमें जो स्पेसिफिकेशन है कंपेरिजन प्रो से कम हुआ करते थे, लेकिन अब जो है ये वाला ही वर्जन जो है प्रो के कंपेरिजन में है, मतलब ऑलमोस्ट जो है प्रो को टक्कर सा देता है। तो अब यार हम जो है डिटेल में बात करने वाले हैं रियलमी 6 के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि यार ये फोन जो है कैसा परफॉर्म कर सकता है अगर आप इस फोन को जो है परचेज करते हैं तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जो है जरूर से लाइक और शेयर कर देना। तो देखो, डब्बा खोल वाला काम तो हम जो है इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं, लेकिन डब्बा खोल के आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है क्या क्या कंटेंट देखने को मिलेंगे। फोन आपको जो है देखने को मिल जाएगा, साथ में है इसके अंदर कवर, इसका जो है बैक ट्रांसपेरेंट केस, इसके अंदर आपको जो है चार्जर मिल जाएगा जो कि है 30 वॉट का, एंड एक इसमें मोटी सी केबल मिल जाती है जो कि 30 वॉट के जो है आउटपुट को सपोर्ट करती है। मतलब ये है इसके अंदर बॉक्स कंटेंट। अब चलते हैं सीधा फोन की तरफ, जो कि फोन अवेलेबल है हमारे पास ये वाला। अब देखो इसका जो डिजाइन है ना, काफी शानदार जो है डिजाइन बनाया गया है। मतलब एक पंच होल वाला डिस्प्ले आपको लेफ्ट कॉर्नर पर जो है देखने को मिल जाता है, एंड फुल व्यू डिस्प्ले है जो कि है 6.5 इंच का डिस्प्ले के साथ में। आईपीएस स्क्रीन जो है इसमें यूज किया गया है। अब आईपीएस डिस्प्ले की बात ही कर ली है तो यहां पर जो है स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो 90 हर्ट्ज को जो है स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप यहां पर वीडियो का कंटेंट देख रहे हैं, आपको जो है कैसी क्वालिटी देखने को मिल रही है आप खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड इसका जो टच रिफ्रेश रेट है, अगर आप इस फोन को जो है टच से मतलब स्मूथ करते हैं, मतलब टच करते हैं फोन को, तो इसका जो टच रिफ्रेश रेट है वो है 120 हर्ट्ज। मतलब यहां पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है 90 हर्ट्ज है, जो कि आपको सेटिंग में ऑप्शन मिल जाएगा 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज, एंड इसका जो टच रिफ्रेश रेट है वो है 120 हर्ट्ज का। मतलब एक स्मूथली आपका जो है फोन काम करने वाला है। एंड इसी के साथ में हम जो है वीडियो का कंटेंट देख रहे हैं आईपी स्क्रीन के साथ में, क्या आपको लगता है कि यहां पर जो है ये सुपर एमोलेड को टक्कर दे सकता है? आप ही बताना यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके जो रियलमी यूआई के जो कलर्स हैं वो थोड़े से और ऐड होके यार, मतलब यहां पर आईपी स्क्रीन को जो है कलर बढ़ गया है। मतलब पहले हमने जो है पोको X2 के कंपैरिजन में ऑलरेडी देख चुके थे, मतलब पोको X2 का जो कलर रिफ्रेश रेट था ना वो काफी अच्छा था, लेकिन हम यहां पे इजीली से बोल सकते हैं कि रियलमी 6 का जो कलर है, कलर रिप्रोडक्शन है, मतलब जो कलर हमको शो कर रहा है वो भी जो है काफी अच्छा है। मतलब 3-4 साल पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आईपी स्क्रीन आया करती थी बहुत ज्यादा डार्क हुआ करती थी, लेकिन आज की बात करते हैं तो आज की जो आईपी स्क्रीन टेक्नोलॉजी है ना वो काफी हद तक जो है टक्कर देती है सुपर एमोलेड को। बात करते हैं इस फोन के बैक डिजाइन के बारे में, तो बैक डिजाइन जो है आप देख सकते हैं आपको जो है कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है। मतलब एक शाइन करता हुआ एक आपको फोन देखने को मिल रहा है। नीचे है रियलमी की ब्रांडिंग, ऊपर लगाए गए हैं 4 कैमरे। मैंने जो बाहर यहां पे थंबनेल में लगाया है ना प्रो लेवल वाला फोन, तो यार ये वही है प्रो लेवल वाला फोन। मतलब यार आपको रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो में जो है ज्यादा डिफरेंस आपको जो है देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यार ये खुद ही प्रो बन चुका है। मतलब एक नॉर्मल वाला फोन ही एक प्रो बन चुका है। मतलब इसका मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का। अब आप यहां पर क्वालिटी देखिए कि क्वालिटी आपको जो है कैसी देखने को मिल रही है, जो कि है 64 मेगापिक्सल की। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको क्या क्वालिटी अच्छी लगी या फिर जो है नहीं, बता सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि आपको जो है पूरा हक है कमेंट करने का, यार कमेंट करो। साथ में आपको बता दूं यहां पर जो है क्वालिटी आपने 64 मेगापिक्सल के साथ में देख ही ली है, और इसी में आपको जो है 1x 2x और 5x भी आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो ये है 1x, ये है 2x और 5x आपको जो है इमेजेस हमने दिखाई दी है, मतलब सेम डिस्टेंस से जो है कैप्चर की गई है, आप जो है खुद ही देख सकते हैं। बात करते हैं यहां पे वाइड एंगल कैमरा की, जो कि आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल के साथ में। आप यहां पे देखो वाइड एंगल की क्वालिटी जो है आपको कैसी देखने को मिल रही है। मतलब यहां पर 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 1x 2x 5x आपको जो है देखने को मिल रहा है, एंड इसके अलावा वाइड एंगल आपको जो है देखने को मिल रहा है, तो आप बताओ कि क्वालिटी जो है कैसी लग रही है। थर्ड वाले कैमरे की बात करते हैं तो मैक्रो लेंस आपको मिल जाता है, एंड फोर्थ वाला जो है डेप्थ को कवर करने के लिए मिल जाता है। तो यहां पे जो है ये वाली इमेजेस है मैक्रो लेंस की, और ये वाली इमेजेस है डेप्थ को कवर करने की। तो यार हम यहां पे बोलना चाहेंगे कि 2MP का कुछ है मैक्रो लेंस एंड डेप्थ कवर मिल जाता है, तो एक अच्छे से कवर कर लेता है। बात करते हैं फ्रंट कैमरा क्वालिटी की, तो फ्रंट कैमरा क्वालिटी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कैसा आपको परफॉर्मेंस जो है फ्रंट कैमरे का देखने को मिल जाता है।
मतलब पंच होल के अंदर लगाया गया है फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरे का परफॉर्मेंस आपको मिलता है ये वाला, मतलब एक काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको जो है फ्रंट कैमरे के साथ में जो है देखने को मिलने वाला है रियलमी 6 के अंदर। अब आप यार खुद ही बताओ कि ये क्या रियलमी 6 है या फिर प्रो वाला वर्जन है, क्योंकि यार मुझे लग रहा है कि 6 वाले वर्जन में ही एक प्रो लेवल का जो है फीचर्स दे दिए हैं। मतलब अब जो है हम इतना फर्क जो है देखने को नहीं मिलेगा कि प्रो वाला वर्जन कौन सा और 6 वाला वर्जन कौन सा है, या फिर जो है कौन सा फोन जो है बाय किया जाए। मतलब कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो गया है अब यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि इसमें चिपसेट यूज किया गया है हेलियो का G90T। अब हेलियो का G90T हम पहले एक और फोन में देख चुके हैं जो कि है Redmi Note 8 Pro, जिसका परफॉर्मेंस रियली में ही काफी अच्छा था, और मतलब काफी अच्छा भी है, अभी भी काफी अच्छा है, था नहीं अच्छा है। बात करते हैं यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये फोन जो है ना पर्टिकुलर गेमिंग के लिए ही ज्यादा बनाया गया है, क्योंकि हेलियो G90T चिपसेट है ना वो गेमिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि हमने Redmi Note 8 Pro में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस जो है गेमिंग का कैसे देखने को मिल जाता है। देखो यार इतनी सारी बातें करने के बाद में चलते हैं हम फोन की सिक्योरिटी की तरफ, क्योंकि फोन की जो सिक्योरिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए है। फोन के बैक डिजाइन में कहीं फिंगरप्रिंट सेंसर जो है नहीं दिखाई दे रहा है, फोन के फ्रंट साइड में IPS स्क्रीन है तो फिंगरप्रिंट इम्पॉसिबल है, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट। मतलब आप जो है कुछ इस तरीके से फोन को अनलॉक कर सकते हो, डिजाइन जो है काफी अच्छा है साइड फिंगरप्रिंट का, आप इजिली इसको अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे जो साइज है मतलब यहाँ पे डिपेंड करता है आप इसको फोन को पकड़ते हो, तो जो इसका ग्रिप रहता है फिंगरप्रिंट का वो बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे है, मतलब ऊपर भी नहीं है या फिर ज्यादा नीचे भी नहीं है, हल्का सा नीचे बोल सकता हूं लेकिन जो है ऊपर नहीं है। देखो आप इस तरीके से ग्रिप करते हो तो हल्का, अगर हल्का सा ऊपर होता, बिल्कुल माइनस अगर ऊपर होता तो शायद जो है और भी कंफर्टेबल होता, लेकिन यहां पर हम बोलना चाहेंगे कंफर्टेबल है, ऐसी कोई हमें जो है फिंगरप्रिंट में देखने को दिक्कत नहीं मिली है। और यहां पर आप जो है परफॉर्मेंस देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का, कैसा आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का परफॉर्मेंस जो है देखने को मिल ही रहा है, और फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल ही जाता है। और सबसे लास्ट में आते तक बात कर देता हूं यहां पे जो ये फोन आपको मिलने वाला है आउट ऑफ बॉक्स रियलमी UI वाले वर्जन के साथ में जो है देखने को मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है Android 10.0। अब बात करते हैं यहां पे चार्जिंग सपोर्ट की, जो कि आपको मिलेगा 30 वॉट का, 4300 mAh की बैटरी है। तो बस यार ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर इसी तरह की कंटेंट आपको जो है और भी देखने को मिलते रहेंगे, जो कि होगा कंपैरिजन, बैटरी टेस्ट, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।